कि आपने अभी देखा तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग एचपी के एक बजट कैटेगरी लैपटॉप के बारे में जिसको मैंने ऑनलाइन परचेस किया। और यहाँ पर अगर मॉडल नेम की बात करें तो उसका मॉडल नेम है एचपी 15D1001TX, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर वहां पर देख सकते हो। फिलहाल करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके फीचर्स। सो लेट्स बिगिन। सामने की तरफ हमारा प्रोडक्ट जहां पर एचपी की ब्रांडिंग इस पर दी गई है, तो इसे जल्दी से करते हैं अनबॉक्स और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। ऊपर की तरफ मैनुअल गाइड है और यहां पर आपको इसमें चार्जिंग केबल भी मिल जाता है। और यहां पर मैनुअल बाइट की बात करें तो इसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए जो कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन भाई यहां पर आपको चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है जो कि बिल्ड क्वालिटी में काफी ज्यादा अच्छा है और चार्ज करने में काम आएगा। और यहां पर हम इसे अनरैप करते तो यहां पर हमें हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, जहां पर भैया फर्स्ट इंप्रेशन में काफी अच्छा है, काफी स्लिम है और काफी ज्यादा लाइट वेट भी है। और मैंने इसे काफी देर तक यूज किया फिर भी मेरे हाथ नहीं दुखे। तो यहां पर ऊपर की तरफ अगर देखें तो यहां पर आपको वेबकैम और माइक्रोफोन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहां पर साइड की तरफ एनवीडिया का और यहां पर इंटेल का यहां पर इंट्रोडक्शन दिया गया है। और यहां पर साइड में टेक्निकल सपोर्ट के लिए यहां पर व्हाट्सएप नंबर भी इनका दिया हुआ है। और यहां पर अगर ट्रैक पैड की बात करें तो कुछ इस तरीके का ट्रैक पैड आपको इसमें देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा स्मूथ है। देन यहां पर अगर बात करें इसके और भी ओवरव्यू की तो इसमें आपको एक पोर्ट देखने को मिल जाता है 3.5mm जैक का, एक RJ45 पोर्ट, HDMI पोर्ट और दो USB पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। और साइड में माइक्रोफोन का पोर्ट भी इसमें देखने को मिल जाता है जो कि भाई काफी अच्छी बात है इस लैपटॉप के लिए। और यहां पर पावर बटन भी इसमें देखने को मिल जाता है। अगर दूसरे साइड की बात करें तो इसमें आपको SD कार्ड स्लॉट और यहां पर आपको एक और USB पोर्ट और यहां पर सिक्योरिटी पोर्ट का ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाता है। और भाई काफी कमाल का लैपटॉप है। और इसे पावर ऑन करने के लिए एक बार इसे प्रेस करके आप रख दीजिए और जब तक ये ऑन हो जाएगा तब तक हम इसके स्पेसिफिकेशन बारे में बात करेंगे। तो इसमें आपको इंटेल कोर i3 720U प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 1TB के हार्ड ड्राइव देखने को मिल जाती है। इसमें आपको कोई भी ऑप्टिकल ड्राइव इसमें नहीं है। विंडोज 10 का ऑप्शन मिल जाता है। 3 cell 41 watt hour की बैटरी इसमें है जो कि भैया चार्ज होने में करीब करीब 1.5 hour यानी 1.5 घंटा लेती है। 4GB की SD रैम इसमें देखने को मिल जाती है। और यहां पर 15.6 inches का FHD LED डिस्प्ले है और एनवीडिया का जी फोर्स ग्राफिक इसमें है जो कि भैया गेमिंग के लिए काफी ज्यादा कमाल का है और यहां पर गेम्स खेलने में काफी ज्यादा यहां पर काम आएगा। देन ये तब तक हम ये ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर ये ऑन सक्सेसफुली हो चुका है। और भैया हम देख सकते हैं कि काफ़ी कमाल के इसमें जो ग्राफिक्स है वो दिखने लगे हैं। और यहाँ पर जो भी यहाँ पर आप देखते हैं वो सभी लैपटॉप में आपको देखने को मिल जाता है जो कि आपको सभी फीचर्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। और अदर एप्लीकेशंस आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली आप इंटरनेट की मदद से। तो यहाँ पर अगर बात करें लास्ट में इसके लुक की तो लुक भी काफ़ी ज़्यादा स्लिम है। यहाँ पर अगर वेट की बात करें तो इसका तकरीबन वेट आपको 2.5 kg तक बढ़ेगा जो कि मेरे ख्याल से एक लैपटॉप के लिए काफी कमाल की बात है। और प्राइस रेंज में अगर बात करें तो इसमें साथ आपको यहां पर एक बैकपैक भी देखने को मिल जाता है जो कि भैया काफी कमाल का है। और इसमें इनाफ इतना स्पेस मिल जाता है कि आप अपना जो यहां पर टेक बैकपैक इसको बना सकते हो और अपनी अदर एक्सेसरीज भी इसमें ले जा सकते हो। सो काफी कमाल का लैपटॉप है इस प्राइस रेंज में। सो गाइज ये थी इसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग। और यहाँ पर अगर बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी की तो बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा टॉप नॉच है। यहाँ पर ये काफी अच्छा वर्क कर रहा है। पिछले 15 डेज से मैं इसे यूज कर रहा हूँ तो काफी बढ़िया एक्सपीरियंस इसका रहा। यहाँ पर आपको विंडोज 10 इसमें देखने को मिल जाता है जो कि लाइफ टाइम के लिए, यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर बात करें एंटीवायरस वगैरह की तो अलग से आपको यहाँ पर परचेस करने पड़ेंगे। अगर यहाँ पर एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से थोड़े ही प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे और आपको खुद से इसमें कई सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो यहां पर अगर एक्स्ट्रा सब कुछ अगर लगा कर दें तो इसकी तकरीबन प्राइस आपको पड़ेगी 32,000 rupees तक। और मैंने इसका हायर वेरिएंट परचेस किया है जिसमें कि भाई यहां पर इसमें आपको एक वेरिएंट ऐसा मिलेगा जिसमें कि आपको यहां पर कोई भी ग्राफिक कार्ड देखने को नहीं मिलेगा और ऐसा एक वेरिएंट मिलेगा जिसमें कि आपको ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा। तो मैंने यहां पर एलवीडिया का ग्राफिक कार्ड इसमें था और गेमिंग पर्पस थोड़ा सा यहां पर रहता ही है तो एक बजट गेमर के लिए, तो यहां पर इसमें मैंने एक ग्राफिक कार्ड भी परचेस कर लिया, ग्राफिक कार्ड का वेरिएंट। तो इसकी प्राइस मुझे करीबन 34,000 rupees तक पड़ी जो कि मेरे लिए काफी ठीक ठाक सी प्राइस है एक बजट कैटेगरी के लिए। अगर आप भी परचेस करना चाहते हो यही लैपटॉप या फिर इसके और भी बारे में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आप पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।